गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइडिंग मैनिया। इस बार मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट होगा। विंटर सीजन है, विंटर सीजन में अगर आप सोलो राइड पे जाते हो, वो भी ऐसे जगह पे जहाँ अल्टीमेट ऑफ रोडिंग है, ऐसे जगह पे जहाँ पर आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, ऐसे जगह पे जहाँ पर कोई होटल कोई होम स्टे नहीं मिलेगा, ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलना है, वहाँ पर मैं सोलो जाने वाला हूँ। जब आप सोलो जाते हो, एक अलग तरह का एप्रिहेंशन होता है, आपको माइंड मेकअप करना होता है कि मैं सोलो जाऊँ या ना जाऊँ, कैसे कंडीशंस मिलेंगे, किस कंडीशन में मुझे रहना पड़ेगा, किस कंडीशन में मुझे समय बिताना पड़ेगा, ये बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। और कुल मिलाकर जब आप अपना माइंड मेकअप करते हैं तो आप सोलो राइड एंजॉय करते हैं एक ऐसे जगह पे जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है। यू आर कंप्लीटली कट ऑफ, दुनिया से बिल्कुल आप अलग हो गए हैं, जहां पर आपको कोई मदद नहीं मिलना है, वहां पर सोलो राइड जाने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने माइंड मेकअप कर लिया है कि मैं इस बार सोलो राइड पे जाऊंगा, वो भी कहाँ, धारचूला। नहीं 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 नहीं, धारचूला नहीं, धारचूला में हमारा बेस स्टे होगा। आई विल स्टे देयर फॉर 2 डेज और धारचूला से मैं जाऊंगा कैलाश मानसरोवर रूट पे, जहाँ जा सकता हूँ वहाँ जाऊंगा। और फिर नेक्स्ट डे मैं धारचूला से जाऊंगा नारायण आश्रम। दोनों जो रूट्स हैं कंप्लीट एंड अल्टीमेट ऑफ रोडिंग है, वहाँ कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प नहीं मिलने वाली है, वहाँ कोई होटल कोई होम स्टे नहीं मिलने वाला है, वहाँ मैं कैंपिंग करने वाला हूँ, वो भी सोलो कैंपिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ कौन सा रूट मैं फॉलो करने वाला हूँ, फरीदाबाद से धारचूला का और फिर धारचूला से आगे का। आइए आपको मैं मैप पे लेकर चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा उत्तराखंड का मैप। मैं चलने वाला हूँ या दिल्ली से, दिल्ली से हम जाएंगे गढ़ से मुरादाबाद। अब ये मुरादाबाद है, मुरादाबाद से 3 रास्ते हैं। एक तो रूट है काशीपुर, रामनगर, मोहान, रानीखेत और होते हुए हम अल्मोड़ा पहुंचते हैं। यह रूट काफ़ी लंबा रूट है। देन नेक्स्ट रूट है बाजपुर, कालाधुंगी से हम नैनीताल जाते हैं, नैनीताल से हम पहुंचते हैं भवाली होते हुए अल्मोड़ा। और इसके अलावा जो रूट है वह है रुद्रपुर से हम जाते हैं हल्द्वानी से हम फिर भवाली और फिर अल्मोड़ा जाते हैं और फिर वहां से हम जाते हैं पिथौरागढ़, बाराचीना, जागेश्वर धाम है, देन ये पिथौरागढ़। एक तो ये रूट हो गया, यानी इस रूट से हम अल्मोड़ा होते हुए जाते हैं। इसके अलावा एक और रूट है, सीधा हम गढ़ से हम जाते हैं रुद्रपुर से सितारपुर के बाद में आता है खटीमा के बाद में एक छोटा और भी जगह है बनबसा, और फिर लोहाघाट जाते हैं और लोहाघाट के बाद हम जाते हैं पिथौरागढ़। सो ये रूट है पिथौरागढ़ पहुंचने का और पिथौरागढ़ के बाद में हम जाते हैं यहाँ जौलजीबी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर धारचूला है और धारचूला पहुंचने में आपको कम से कम 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि आप पिथौरागढ़ में या उससे पहले अल्मोड़ा में या भवाली में या नैनीताल में कहीं ना कहीं आप स्टे करेंगे। धारचूला में हमारा होगा स्टे, आई विल स्टे देयर फॉर 2 डेज और फिर धारचूला से नेक्स्ट डे हम जाएंगे रंथी होते हुए तवाघाट से एक रूट है लमारी बुद्धि, उसके बाद में चियालेक इनर लाइन है, चियालेक के बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट चाहिए। उसके बाद गुंजी है, गुंजी के बाद ये है लिपुलेक जो इंडिया चाइना और तिब्बत का बॉर्डर भी है, उसके बाद मानसरोवर लेक। नेक्स्ट डे हम जाएंगे धारचूला से फिर हम जाएंगे तवाघाट
और तवा घाट से हम दूसरा रूट लेंगे, दैट विल बी टुवार्ड्स नारायण आश्रम। नारायण आश्रम से आगे हमें जाना नहीं है, जैसे आगे बेस कैंप भी है, तो बेस कैंप तरफ हम अभी जा नहीं सकते, विंटर सीजन है, इसलिए नारायण आश्रम तक ही हमें जाना पड़ेगा। अब ये जितने भी आपको रेड लाइंस दिख रहे हैं वे सारे कंप्लीट ऑफ रोडिंग वाले रास्ते हैं, बिल्कुल रास्ते सही नहीं है, आपको टूटे फूटे रास्ते हैं, रास्ते पे गड्ढे मिलेंगे, रास्ते पे कीचड़ मिलेंगे, रास्ते पे बर्फ मिलेंगे। और यह तवा घाट से करीब 45 से 50 किलोमीटर का यह लंबा पैच है जहां पर आपको किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, मैप के मदद से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा रूट फॉलो करने वाला हूँ। इस बार मैं मुरादाबाद से ठीक आगे जाकर लेफ्ट की तरफ बाजपुर जाती है, बाजपुर के बाद कालादुंगी, कालादुंगी के बाद नैनीताल होते हुए हम पिथौरागढ़ पहुँचते हैं, वह रूट मैं फॉलो करने वाला हूँ। और फिर हम पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा या भवाली जहाँ भी रुकना होगा मैं रुकूँगा, और नेक्स्ट डे मैं पहुँचूँगा धारचूला, और धारचूला में हमारा स्टे होगा 2 दिनों के लिए, और वहाँ से सही में कंप्लीट मेरा एडवेंचरस राइड शुरू होगा। दैट विल बी एन अल्टीमेट एंड ऑफ रोडिंग राइड ऑन कैलाश मानसरोवर रोड। फिर नेक्स्ट डे हम नारायण आश्रम भी जाएंगे, और वापसी में आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द सेम रूट, आई एम गोइंग टू फॉलो अ डिफरेंट रूट, दैट विल बी थ्रू लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर एंड रुद्रपुर। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। और मेरे राइड का पहला वीडियो विल बी पब्लिश्ड ऑन 9th ऑफ जनवरी। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय एंड